हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं शादना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, दिवाली में नई मूर्तियाँ लेनी चाहिए या फिर पुरानी मूर्ति से ही हमें पूजा करना चाहिए? दूसरी चीज की मूर्ति लेते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, विशेष सावधानियों की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन दिवाली की मूर्तियां, मैं कहती हूँ कि यदि आप अन्य कोई सामान लेते हैं, कोई ज्वेलरी लेते हैं या फिर कोई भी चीज लेते हैं, तो आप उसमें समय दें या न दें, लेकिन जब दिवाली में आप कोई मूर्ति खरीद रहे हैं तो निश्चित रूप से थोड़ा सा समय लेकर आप बाजार जाइए और वहां से देख कर समझ कर बहुत अच्छी मूर्तियां लाइए। तो चलिए, मैं आज बताती हूँ आपको कि दिवाली में लक्ष्मी गणेश के साथ साथ और कौन कौन सी मूर्ति लानी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मूर्ति से जुड़ी हुई संपूर्ण जो जानकारियां हैं वो मैं आपको दूंगी। और हाँ, पिछली बार मैं बताई थी धनतेरस में क्या क्या चीजें आपको लेनी है। तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न आया था कि दीदी, धनिया कैसा लेना है, बीज वाला लेना है या फिर पत्ती वाली? तो देखिए, जो भी धनिया हम साल भर रखते हैं उसको तो बीज वाली ही लेना है आपको, तो यही इसका जवाब है। इसीलिए जो आज की वीडियो है उसमें मैं आपको लक्ष्मी जी गणेश जी के दर्शन भी कराऊंगी, तो वो आप देख लीजिएगा और देख करके एक एक चीज समझ लीजिएगा कि कैसे लानी है, क्या लानी है। तो मूर्तियां मैं निकाल कर रखी हूँ, और हाँ, पूजा के बाद जो पुरानी मूर्तियां होती हैं उनका क्या करना है, नई मूर्ति से आप पूजा करेंगे तो मूर्ति की जितनी भी आपके मन में मूर्ति से जुड़े हुए प्रॉब्लम है वो सब आज दूर हो जाने वाले हैं। तो चलिए, आप भी देखिए, आपको दिखाई दे रही है माता लक्ष्मी। तो देखिए, क्या करना है आपको कि माता लक्ष्मी की जो मूर्ति लानी है, आपके मन में बार बार ये सवाल होता है कि हर साल हम नई मूर्तियां लाएं या फिर पुरानी मूर्ति से पूजा करें। तो देखिए, हर साल जो है, यदि आप मिट्टी की मूर्ति लाते हैं तो वो हर साल आपको नई मूर्ति लानी है। चांदी की मूर्ति लाते हैं तो वो तो एक बार आप लाएंगे, पीतल की लाएंगे, एक बार लाएंगे और हर साल पूजन करेंगे। और यदि मुझसे पूछते हैं कि बेहतर क्या होगा, क्या बेहतर होगा आप हर साल माता की नई मूर्ति लाएं या फिर पीतल की एक बार ले लें, चांदी की एक बार ले लें, तो क्या करें आप? तो मेरी समझ से यही है कि देखिए, दिवाली में ना हर बार लाना जरूरी नहीं है, लेकिन मिट्टी की मूर्तियां बहुत शुभ होती है मेरी समझ से और मेरे अनुभव के अनुसार। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप मिट्टी की मूर्तियां ले लें। अच्छा, अब तो बात आ गई कि मिट्टी की मूर्तियां ले लें, लेकिन मंदिर में जो है बहुत ज्यादा भगवान जी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गणेश जी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लक्ष्मी जी हो जाती हैं, तो फिर ऐसे में हम उनका क्या करें? तो देखिए, पहली एक चीज कि आप इन मूर्तियों को सिर्फ मंदिर में ही रख सकते हैं, लेकिन मंदिर के अलावा यदि आपने कोई तिजोरी रखी है, आपके अलमारी में जो तिजोरी बनी होती है उसमें जहां भी चाहें आप मूर्तियां लाएं, रख लें। तो ये चीज तो आपकी एकदम स्पष्ट हो गई कि आप मूर्तियों को कहाँ रखें। अब चलिए, एक चीज आपको और बता देती हूँ, मूर्ति लेते समय थोड़ी सी सावधानियां ये रखनी होती है कि मूर्तियों को खरीदते समय ना इनमें ध्यान दीजिए कि कहीं कोई स्क्रेच या टूटी फूटी खूब अच्छी तरह से चेक कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि मूर्तियों में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई स्क्रेच तो नहीं है, कहीं कोई टूट फूट तो नहीं गई है, क्योंकि खंडित मूर्तियां लाने के बाद उनका पूजन करते हैं तो दोष उत्पन्न होता है ऐसी मूर्तियों से। साथ साथ गणेश जी की मूर्तियां भी आप जरूर लाएं, जानते ही आप, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। मूर्तियों की साइज के जो है वस्त्र लाइए, वस्त्र के साथ साथ जैसे कि माला वगैरह होता है, देखिए ये माला वगैरह, मतलब जो चीजें हम खरीद सकते हैं जितनी हमारी स्थिति है उनके अनुसार हम मूर्तियों को अच्छी तरह सजाएंगे, वस्त्र फूल माला आसन वगैरह सब कुछ उनके लिए नया नया खरीद कर लाएंगे। अब विशेष बात मैं बताने जा रही हूँ कि जो आपकी पुरानी मूर्तियां हैं जिससे आपने पिछले साल पूजन किया था, उन मूर्तियों को आप क्या करेंगे? तो देखिए, उन मूर्तियों को जब हमारी दिवाली की पूजा होती है तो नई मूर्तियां हम रख देते हैं, फिर जब अगली सुबह जब हम दिवाली का सामान सब हटाने लगते हैं, उठाने लगते हैं, तो ऐसे में उसके पहले आप क्या कीजिए कि अपनी तिजोरी में या फिर अपने मंदिर में जो मूर्तियां आपने रखी हुई है पहले वाली, उनको निकालिए, लाल कपड़े में बांधिए या फिर लपेटिए और उनको आप विसर्जन करें। यदि आप तुरंत नहीं कर सकते हैं तो आप उनको किसी भी पवित्र पौधे के नीचे या फिर पवित्र मंदिर में ही कहीं उनको अलग साइड रख दें, और जहां आपने पहले मूर्तियां रखी हुई थी वहां नई वाली मूर्तियां जो आपने रात को पूजन किया दिवाली का, उन्हें वहां स्थापित कर दें। तो ये बहुत अच्छा विकल्प है, आप इसी तरह से करिए। पुरानी मूर्तियों को विसर्जन किया जाता है, नई मूर्तियों को रखा जाता है, लेकिन धातु की मूर्तियों में ऐसा कोई नियम नहीं है, एक मूर्ति से सालों साल पूजन होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कौन सी मूर्ति लानी है, कैसी लानी है, हर बार नई मूर्ति लानी है या नहीं लानी है। अब चलिए महत्वपूर्ण चीज बताती हूँ।
दोस्तों जब आप दिवाली की खरीदारी करने जाएं, लक्ष्मी गणेश जी को लेने जाएं ना, तो एक कुबेर जी की प्रतिमा जरूर खरीद के लाएं, क्योंकि कहा जाता है धन कोष के जो स्वामी होते हैं वो कुबेर देव होते हैं, और कुबेर की पूजा आप जो है कि करते भी हैं धनतेरस को। लेकिन कुबेर जी की मूर्ति लाते समय ना एक चीज का ध्यान आपको रखना होता है, जो हाथ में इस समय आप देख रहे हैं ना, ये पोटली जरूर होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ये पोटली जरूर होनी चाहिए जब कुबेर जी की मूर्ति आप लाएं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि इनकी मूर्ति में, कुबेर जी की मूर्ति में पोटली जरूर रखिए। और यदि आप हर साल ये काम करते हैं, लाते हैं लक्ष्मी जी गणेश जी के साथ कुबेर जी, तब तो बहुत अच्छा है। नहीं लाते हैं तो दोस्तों ला करके देखिएगा, बहुत अच्छा और शुभ परिणाम देने वाले होते हैं कुबेर जी। जो आप पैसा कमाते हैं ना, आपकी शिकायत होती है कि बचता नहीं है, तो वो बचत करना चाहते हैं तो आप कुबेर जी को लाकर जहां आप स्थापित किए हैं लक्ष्मी जी गणेश जी को दिवाली वाले, वहां पे इन्हें भी जरूर रखिए। साथ साथ वस्त्र वगैरह जो भी, देखिए दिवाली की पूजा, एक चीज मैं बता दूं, वैभव पूर्ण हमें करनी चाहिए, विलासिता वैभव, यही है दिवाली का मतलब। तो हमें जितनी भी हमारी स्थिति है उसके अनुसार बहुत अच्छी तरह से, अच्छे फूल मालाओं से अपने घर को सजाते हैं, बहुत अच्छी तरह से लाइट वगैरह डेकोरेट करते हैं। भगवान के लिए भी अच्छे से वस्त्र वगैरह लाइए, खुद के लिए भी लाइए, तो इन सारी चीजों का ध्यान रखिए। और हाँ, दूसरी चीज मैं बता दूं कि मूर्ति लाते समय ये तो देख लेंगे आपकी मूर्ति कहीं स्क्रैच नहीं है, कहीं खंडित नहीं है। मूर्ति जब लाएं, आप अपने घर में लाएं, तो परिवार के एक सदस्य को पहले से ही अलर्ट करके रखें कि जब आप दरवाजे पे आएंगे तो परिवार का वो सदस्य हल्दी और गंगा जल लेकर के खड़ा रहेगा। जैसे आप मूर्ति लेकर प्रवेश करेंगे घर में, हर मूर्तियों के ऊपर कोई पूजा नहीं होगी, क्योंकि पूजा तो जब हम दिवाली के दिन करते हैं तो ही होगी। उससे पहले गंगा जल और हल्दी जरूर डाल दीजिएगा मूर्तियों पे। मतलब देखिए, मूर्तियां तो पैक होती हैं, उनको खोलना वोलना नहीं है, जैसे वो लोग पैक करके देते हैं शॉप वाले, वैसे ही पैक करके रहने दीजिएगा। बस उनके ऊपर हल्दी और गंगा जल का छिड़काव करके, और जहां साफ सुथरा करके, उससे पहले मैं बता चुकी हूँ कि धनतेरस से पहले सारी सफाई हो जानी चाहिए, तो जहां आप साफ सुथरा करके रखे हैं वहीं आप इन मूर्तियों को ला करके रखिएगा। मतलब सारी सामान एकत्रित करने से एक तो आपको दिवाली की पूजा में कोई परेशानी नहीं होगी, कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, और दूसरी चीज मूर्तियां भी, सामान भी आपके सुरक्षित रहेंगे, तो ये काम कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब आप मूर्ति से जुड़ी हुई जो बातें थी वो आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, तो सारी चीजें समझ गए होंगे। एक बार फिर बता देती हूँ कि नई मूर्ति लाना चाहते हैं तो लाइए, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं लाना चाहते हैं, पहले से पड़ी हुई मूर्तियां हैं तो आप उनका पूजन कर सकते हैं। मेरे अनुसार यदि आप चाहते हैं पीतल की, चांदी की ला के रखे, उनसे भी पूजन कर सकते हैं, चाहते हैं तो आप इन मूर्तियों को ले आए। दूसरी तो नहीं, बहुत सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ आपको। बहुत लोग पूछते हैं कि दीदी हम अलग अलग, जैसे कि दुकान पे पूजा करते हैं, घर पे पूजा करते हैं, या फिर कोई अन्य जगह भी आप पूजा करते हैं, तो क्या अलग अलग मूर्तियां लाएं? तो देखिए, स्थापित करने के लिए, जैसे कि आप अपने शॉप पे पूजा करते हैं, अपने जहां भी व्यवसाय है वहां पूजन करते हैं, तो अलग अलग मूर्तियां तो आपको लानी ही लानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप उसी मूर्ति से पूजन करेंगे, आपको हर जगह के लिए अलग अलग मूर्तियां लानी होगी। अब आपकी इच्छा करती है तो आप एक जगह जो है मिट्टी की स्थापित करें, एक जगह चांदी की ले आकर के परमानेंट रख दें, पूरे साल उनसे पूजा होगी, और आप जो है इन मूर्तियों को, मिट्टी की मूर्तियों को घर में रख लें, तो जैसा ठीक लगे वैसा करें। अब अगली चीज दोस्तों, कि जैसे हम बता रहे हैं आपको कि तिजोरी में आप रख देंगे, तो अब एक सबके मन में भ्रम आएगा कि क्या तिजोरी में हम रखने के बाद उनका पूजन वगैरह कैसे होगा, क्योंकि भगवान को तो हम ऐसे छोड़ नहीं सकते। देखिए, जब आपके घर में विशेष पूजन होता है, जैसे आप शुक्रवार को पूजन करते हैं, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, आप पूर्णिमा को पूजन करते हैं, तो जो कोई विशेष पूजन होता है उनमें इन मूर्तियों को ले जाइए। देखिए, जैसे इन मूर्तियों को मैंने रखा, वैसे आप एक अच्छी तरह से भगवान को थाली में ले जाइए, घर के मंदिर में स्थापित कीजिए, पूजन वगैरह कीजिए। जैसे पूर्णिमा का पूजन कर रहे हैं आप, माँ लक्ष्मी के लिए मैं बहुत सारे प्रयोग भी बताती रहती हूँ। उसके बाद अगली सुबह नहाने धोने के बाद जब घर के मंदिर में पूजन करने जाती हैं, तो इन मूर्तियों को लाइए, फिर से तिजोरी में रख दीजिए, ऐसा कर सकते हैं। दूसरी चीज कि हर दिन तो पूजन करना नहीं है आपको, लेकिन जब संध्या दीपक आप जला रहे हैं तो एक दीपक पूरे घर में, मैं बताई ही हूँ, आप पूरे घर में दिखाना है, तो उसी तरह आप अपनी अलमारी का दरवाजा खोल करके और मूर्तियों को थोड़ा सा दीपक दिखाइए, थोड़ा सा धूप दिखाइए। ठीक वही बात है जैसे कोई यंत्र आप अपनी अलमारी में रख देते हैं, उनको समय समय पे दीपक और धूप दिखाते रहते हैं। तो जो धूप और दीप का काम है वो आप प्रतिदिन शाम को सुबह करते रहिए, बस इतना करते रहिए, ये मूर्तियां कभी भी कोई नुकसान नहीं देंगी, धन कोष बढ़ता रहेगा, निश्चित रूप से धन की कोई कमी आपको नहीं रहेगी।
तो दोस्तों इस तरह से एक बार आप और माता लक्ष्मी और गणेश जी की दर्शन कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत प्यार से लाई थी इनको धनतेरस पे, आप देखिए कितने सुंदर है। और हाँ, एक चीज और कहूंगी आपको कि मूर्तियां लाते टाइम ना एक चीज का ध्यान रखिए, छोटी से छोटी मूर्तियां लाई। देखिए बहुत साइज के मुझे कपड़े नहीं मिले, लेकिन मैं फिर भी बहुत छोटी छोटी मूर्तियां लाई। पास से दिखाती हूँ आपको, देखिए बहुत छोटी छोटी मूर्तियां लाई, क्योंकि छोटी मूर्ति, और आप देखिए ध्यान से जैसे लगता है माता जी बिल्कुल मुस्कुरा रही है, ऐसे ऐसे सुंदर से मुस्कुरा रही है। तो आप भी मूर्तियों को देखिए, मैं ना हर चीज में चाहे समय दूं या ना दूं, लेकिन जब मैं मूर्तियां लेने जाती हूं तो बहुत आराम से समय देकर बहुत ध्यान से धीरज के साथ खरीदती हूं। तो आप लोग भी ऐसा करिए, माता को बहुत ध्यान से ध्यानपूर्वक अपने घर में लाइए। तो चलिए दोस्तों, माँ लक्ष्मी की जय बोलिए और सबको हैप्पी दिवाली। आप लोग बहुत ज्यादा खुश रहिए, दिवाली मनाते रहिए। और हाँ, किसी भी तरह की पैसे की दिक्कत है, तंगी है, तो मैं वो वीडियो भी आपको दे चुकी हूँ, तो आप एक बार उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा। समय मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसके डाल दूंगी। इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, ये नंबर जो आप देख रहे हैं इस पे किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह, जैसे कि कुंडली दिखाना है, तो आप इन नंबरों पे संपर्क करके मुझसे कुंडली वगैरह दिखवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अच्छी लगे तो दूसरों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। और मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।